सभी किसान भाइयों को राम राम। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आप बात कर सिया के आपने पशुधन में आप लेवटी को विकास किया कर सका। लेवटी को मतलब पशु को जो को अडर है बिन विकसित किया कर सका, पशु को थन बड़ो किया कर सका। इम के वह यदि आप पशु ने बारे ले जाके बेचा, अपनो ब्याड़ो पशु है बिन बारे बेचन जैसा जे बिंगो बेलो फूट हो सी, बिंगो अडर या बिंग लेवटी बढ़िया हो सी, पीसा चोखा बनता है। दूसरी बात, यदि आप बिन घर भी राख सिया तो भी उनके फायदे हो सी, एक तो आपने दूध बढ़िया हो सी, दूसरो आपने घर गाय या भैंस खड़ी हो सी तो सुंदर लगे जगह घर की शोभा बढ़े। तो आप के ई टाइप को दवा या घरेलू नुस्खो दे सका जगह आपने पशु को अडर को विकास कर सका। तो आज को वीडियो में थाने देसी दवाई बता सू जो कि आपने घर में उपलब्ध है और भी आपने अपने पशुओं को आप अडर को विकास कर सका। तो दोस्तों, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और मैं थाने ई वीडियो में आई जानकारी देसी। तो पशुपालक भाइयों, आप अपने पशु की लेवटी को विकास किया कर सका एक बारे में चर्चा कर सा। ई खातर के वह आपनो जो पशु ब्याण आ रो है जब वो ब्याण का महीने जहाँ महीनों भर रहे या लास्ट को महीनों है जकी मैं दवाई बता सू आ थाने पशु के ब्याण 10 दिन पहले और ब्याणे के 10 दिन बाद तक देनी है। ये उठारे की हो सी के पशु को उस यदि विकसित हो सी या भी वो अडर या भी वो ठंड बड़ो हो सी तो भी उठाने दो तीन फायदा हो सी। दो तीन फायदा में हो सी, एक तो बेलो जब बड़ो हो पशु को तो पशु को सुंदरता में चार चांद लागे और सुंदर पशु हो ना बिंग कीमत भी बढ़ जा। दूसरो सो बड़ो फायदो है कि अडर को विकास हो सी, बड़ो थन हो सी, बिंग दूध ज्यादा हो जी। तो जितो बड़ो बर्तन हो भी तो बड़ो बिंग ज्यादा पानी गले। तो दोस्तों, आज आप उसके विकास की बात कर सिया कि आप के घरेलू नुस्को दे के आप अपने पशुओं को उसको विकास कर सका। और इन मैं थाने बताऊं कि आज मैं थाने इसी दवाई बता सू कि जो कि आपने घर में उपलब्ध है और घर में उपलब्ध आराम आसानी मिल जाए हर किसान के घर में और आपने राजस्थान में तो बहुत ही अच्छा तरीके में उपलब्ध हो जी सी। दूसरी बात, यदि घर में नहीं उपलब्ध है तो थे बाजार उल्लास को और बाजार उला के आपने पशुआन देव बात है जो को प्रथम बार ब्याण आलो पशु है बिन देश को जो को तीन या चार बार ब्याड़ो है बिन विदेश को और भी हूं अपनी गर्भावस्था में कोई दिक्कत को नहीं हुए। दूसरी बात, बाद दवाई देने के बाद थारे पशु को अडर को तो विकास होसी होसी, दूध की भी मात्रा बढ़सी एक नंबर फायदो। दो नंबर भी उनके होसी का थारे जो को पशु का दूध होसी भी फैट की मात्रा अच्छी आसी। तीसरो बात आए कि पशु थारो स्वस्थ रहसी और जो को गर्भ में पड़ रहे बच्चो है वो भी स्वस्थ रहसी। तो दोस्तों, मैं आज तो थाने देसी नुस्को बताऊ बहुत है पूरा सुनिया, वीडियो ने स्किप ना कर, आज को जो को फॉर्मुलो है बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, इंग माइन आपा लेनो है गेहूं, आपने 2 किलो गेहूं का दलियो पीसनो है जो को मोटो होना चाहिए, यानी एक गेहूं का 3-4 टुकड़ा हुए और मोटो मोटो दलियो है। 2 किलो गेहूं को दलियो लेनो है अपनी प्रथम सामग्री होगी। दूसरी सामग्री हो सी अपनी तारो मीरो जो को राजस्थान में बहुत बढ़िया तरीका उपलब्ध है और राजस्थान बारे का जो का देखनिया भाई लोग है तो बांगे बैठे लोकल के बोले तारा मीरे ने जो को मन अभी तक नॉलेज में कोनी, लेकिन पंजाब के अंदर इन बोले सू और तारो मीरो अपने सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की तरिया मोटो दानो हुए तेलिए इनकी प्रवृत्ति हुए जी, आपने सरसों का तेल निकले भी है तारा मीरा में तेल निकले और राजस्थान में तो इनकी बिरानी खेती भी हुए और सिंचित खेती भी हुए। दो चीज होगी आपने। तीसरी चीज की अपन लेनी है बा लेनी है राजस्थान में बहुत आयत मिले बारे भी हुए हरे गुआर की फड़ी जो को गुआर आप सही जानता होगा, गुआर पूरे भारत में जानी जाए, राजस्थान में बहुत मात्रा में गुआर की पैदा हुए और हरे गुआर की फड़ी लेनी है जबकि लगभग आजकल साल के महीने 8-9 महीना उपलब्ध रहे। तो हरे गुआर की फड़ी अपन लेके और छोटे छोटे टुकड़ा के रूप में कर लेनी है। हरे गुआर ने थे यदि नहीं देख पा रहे हो तो वो जो को चित्र दिख रहे चित्र में जो की थान दिख रही है टुकड़ा करेड़ी गुआर की फली भी तो पड़ी है और गुआर की साबुत फलियां भी पड़ी है। तो इनमें दोस्तों अपने देणों की है सामग्री अपने उपलब्ध होगी अपन को सुन देणों की है। देने के लिए अपन सर्वप्रथम एक बर्तन लेना है जैसे 4-5 लीटर 6 लीटर आप पानी डाल लिया, 6 लीटर पानी डाल के और भी पानी ने कोई चूल्हे पर या गैस के ऊपर गर्म होने में रख दो। जब भी मैं बुलबुला आने लग जाए उबाल आ जाए तो बिंग अंदर जो को 2 किलो दलिया है वो डाल दो और भी दलिया ने हिलाता रहो और दलिया ने जब 5-7 मिनट पकते हो जा ठीक है बिंग मायने जो को अपनो 100 ग्राम तारो मीरो है वो अंदर डाल दो और 2 मिनट बाद गुवार फली जी की आपने तोड़ी है वह गुवार फली बिंग अंदर डाल के और बिन अच्छे से पका लो। जब वो बढ़िया तरीकों गेहूं को दलियो पक जावे
बिन उतार ले, और उतारने के बाद भी एक काम और करना है, 100 ग्राम सरसों को तेल, 100 ग्राम सरसों को तेल भी मैं मिक्स कर लियो। और मिक्स करके दोस्तों वो जो को मिश्रण आपको तैयार हुए है वो पशु ने ब्याणे हूं 10 दिन पहले हूं स्टार्ट करना है, और ब्याणे का 10 दिन बाद तक देना है। यूं आपने पशु को अच्छो अडर को विकास हो सी और बढ़िया भी है दूध में फैट आ सी और दूध को उत्पादन भी अच्छो सी। तो दोस्तों वो जो को नुस्को आपने ये साथ देना है। दूसरो वो देने को टाइम की है, देने को टाइमिंग वो है कि शाम को जब आपने पशु चर पी के आराम बैठ जावे और उगाली करते हुए ज्यादा पानी आ जाएगा, चर पी के बैठ के और रात ना पानी खानो को नहीं खिलानो, बी टाइम वो जो आप मिश्रण है ठंडो कर दो वो भी पशु ने देव, और कोई क्रम चालू है शाम का टाइम में देव पशु चर पी के उगाली करना टाइम बैठ जाए बी टाइम और आप पशु खा ले, वो अपन मिश्रण देने के बाद पशु ने न तो कोई तरह को पानी पिलानो और न कोई अन्य खाद्य पदार्थ दे। तो दोस्तों आज को मिश्रण में खाना बतायो और देसी फार्मूलो बतायो और फार्मूलो थे काम में लो, पशु के ब्याणे 10 दिन पहले स्टार्ट करो और ब्याणे का 10 दिन बाद तक दो। पहली देशियां ब्यू अडर को विकास होसी, बाद में देशियां ब्यू अडर को विकास तो होसी लेकिन दूध की भी बहुत ज्यादा मात्रा अपने पशु में बढ़ सी। दूसरो फेट परसेंट बढ़ सी आपने तारा मिलो, और जो वो फार्मूलो है वो ज्यादा में ज्यादा थे काम में लो, मारो विश्वास है फार्मूलो है फील्ड में मैं दिरावा और लोगों ने काफी अच्छा इनका रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आज को वीडियो ही हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और किसान भाइयों ने शेयर कर दो ताकि वह भी इस चीज को फायदा उठा सके। और दोस्तों आज के वीडियो में इतनी जानकारी, राम राम साहब।